हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ कविता। और आज मैं आप लोग के साथ एक दो चीजें शेयर करूंगी, जिस इन चीजों का बनाकर अपने किचन को और अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं। और वैसे तो हम सबका किचन हम लोग अपने हिसाब से काफी मेंटेन करके रखते हैं और डेकोरेट करके रखते हैं, लेकिन आप इन चीजों का यूज करके भी अपने किचन को और ज्यादा आप मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ कपड़ा लिया है और ये कपड़ा मेरे पास छोटा था और मैंने पहले भी शेयर करा था, मैंने इसे किचन की हैंड टॉवल बनाई थी और मैं लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये कपड़ा मेरे पास कम था, तो एक्चुअली मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। तो यहाँ पे मैंने बीच में जोड़ डाल दिया है क्योंकि कपड़ा मेरे पास ये स्क्वायर में नहीं था, तो इसमें इसको एक्चुअली मैं मिक्सी का कवर बना रही हूँ, तो जो मेरे पास मिक्सी है वो उसका सरफेस जो है ऊपर से बराबर है, तो मैंने इस टाइप का कपड़ा लिया है, तो इसमें मैं चारों तरफ से इसमें फ्रिल लगाऊंगी। और फ्रिल को कैसे बनाते हैं वो मैंने इसके पहले जो वीडियो था जिसमें मैंने किचन हैंड टॉवल दिखाया था, तो उसमें आप देख सकते हैं। और वैसे अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी कि किस तरह से जो चुन्नट है वो बनाते हैं, तो वो चुन्नट बना के इसको चारों तरफ से मैं इसमें फ्रिल लगा दूंगी, तो ये हमारा मिक्सी का ये काफी अच्छा कवर बन जाएगा, जिससे कि हमारी मिक्सी गंदी भी नहीं होगी, क्योंकि किचन में हम लोग काम करते हैं तो वहां पर ऑयल और डस्ट वगैरह सब आती रहती है, तो काफी चिकनाई हो जाती है जिससे उसमें डस्ट काफी सेटल हो जाता है। तो आप इस तरह से अपनी मिक्सी को कवर करके रख सकते हैं, जिससे हमारा किचन भी अच्छा लगेगा और हमारी मिक्सी का कवर भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह का मेरा कपड़ा है, इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक प्रिंट है, तो मैं इसकी जो फ्रिल इसमें लगाऊंगी मैं ये प्लेन ब्लैक लगाऊंगी, तो बस। और ये चूंकि मैं ये किनारा जो इसका है ये मैं इसको कुछ नहीं फोल्ड वगैरह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये जब आप सिलेंगे तो उसमें चला जाएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। बस हमें यहाँ से ये इस तरह से ये, और मेरे पास मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ, और इस तरह से आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपको इस तरह से जिग जैग इस तरह से आपको करना है, और आपको बस इसको इस तरह से करके खींचते जाना है। अगर आपको घनी चाहिए चुन्नट तो आप कम खींचिएगा, और अगर आपको थोड़ी कम आपको चुन्नट चाहिए तो थोड़ा सा ढीला ढीला खींचिएगा। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से ये चुन्नट बन जाती है। तो मैंने इस तरह से इसको बना लिया है, और ये देखिए इस तरह से लग रही है, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये लग रही है, और ये मेरी पूरी फ्रिल बन गई है जितनी हमें चाहिए थी। और इसके बाद अगला काम जो हमें करना है, तो ये कपड़ा हमें लेना है और इसके चारों तरफ से इसको हमें टक करना है, तो इसके लिए आप उल्टे साइड से कपड़े को रखिएगा, और इस तरह से इसका जो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर इस तरह से आप इसको सिल लीजिएगा, ऐसे चारों तरफ से घुमाते हुए सिल लीजिएगा। इस तरह से इसको हम सिलाई कर लेंगे। मैंने इस तरह से चारों तरफ से इसमें फ्रिल लगा लिया है, तो ये हमारा ये मिक्सी का कवर तैयार हो गया है। अब जो दूसरी चीज हमें बनानी है, तो आइए देखते हैं दूसरी चीज हमें करनी है। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरह का मेरे पास ये जो जिसमें चाय की पत्ती आती है उसका ये डिब्बा है, तो ये ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये अगर ऐसे रहेगा, अब इसको अगर हम किचन में किसी चीज में अगर हम इसमें कोई सामान रखते हैं, किसी चीज में यूज करते हैं, तो अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको पहले तो सबसे पहले तो इसमें मैं इस व्हाइट कलर से इसको पेंट कर लूंगी, जिससे कि इसके ऊपर कुछ भी अगर मैं करूं तो वो आप क्लियर हमारा दिखाई दे। तो मैं इस पे जो डेकोपॉज होता है वो मैं इस पर करूंगी, तो उसको करने के पहले मैं इसको व्हाइट कलर से पेंट कर लूंगी, और वो व्हाइट कलर मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक्रेलिक कलर का ही ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो चलिए पहले इसको तीनों को मैं पेंट कर लेती हूँ, फिर आगे का स्टेप शुरू करते हैं। इस तरह से इसको मैंने पेंट कर लिया था, और अब चूंकि हम ये डेकोपॉज कर रहे हैं, तो इसके लिए आप इस तरह की आप कोई भी पेपर नैपकिन हो, या आप कोई मैगजीन से भी कोई पिक्चर कट कर सकते हैं, कोई फ्लावर या कोई बर्ड्स जो आपको पसंद है, या फैब्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं, डेकोपॉज आप फैब्रिक से भी कर सकते हैं। तो आप जब ये पेपर नैपकिन से करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये इसमें इस तरह की लेयर होती है, इस तरह की, तो इसकी आप पतली ऊपर वाली लेयर निकाल लीजिए इस तरीके की,
इसको निकाल के हमें इसी से डेकोपॉज करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले ये जो कंटेनर है जिसपे हमें करना है डेकोपॉज, तो इस तरह से इसको आप पहले इस पर आप गम लगा लीजिए, फेविकोल लगा लीजिए इस तरह से पूरे में। इस तरह से देखिए मैंने इसमें चारों तरफ से ग्लू लगा लिया है। और अब जो मैंने ये इस तरह का ये जो मैंने नैपकिन से निकाला था नैपकिन का ऊपर वाला पोर्शन, अब इसको हमें इस पर रखकर और इसको इस तरह से पूरे में चिपका लेना है। और ये देखिए इस पर लगाने के बाद ये इस तरह का, वैसे तो मार्केट में मॉड पाउच आता है लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों को के पास वो प्रॉब्लम हो रही है मार्केट से सामान लेने में, तो इस तरह से आप घर में मॉड पाउच बना सकते हैं। इसमें मैंने एक चम्मच फेविकोल और एक ही चम्मच आपको पानी रखना है, तो इस तरह हाफ हाफ का रेशियो लेकर के और आप इस तरह से मॉड पाउच घर में बना सकते हैं। और फिर हमें इसके ऊपर इस तरह से लगाना है, ये पूरे में अच्छे से इस तरह से इसको स्प्रेड कर दीजिए। इस तरह से आप इसको अच्छे से लगा लीजिए। इस तरह से मैंने इस पर का जो नैपकिन थी पेपर नैपकिन वो मैंने चिपका लिए और आप देख रहे हैं मैंने सब पर चिपका दिया इस तरह से। तो अभी ये जब तक ये सूख रहा है हमारा ये कंटेनर, तो अब हमें क्या करना है कि ये जो इसकी हमें नॉब बनानी है इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से नॉब बनानी है। तो इसके लिए मैंने सिल्वर फाइल जो मेरे पास घर में थी तो मैंने उसका यूज किया है और उसको मैंने बस न्यू ऐसे समेट लिया है और तो उससे मैं इसको बना रही हूँ। और अगर आपके पास सिल्वर फाइल ना हो तो आप कोई बटन वगैरह है उसका आप यूज कर सकते हैं, या कोई अगर आपके पास कोई पुरानी नॉब पड़ी है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने सिल्वर फाइल से बना लिया। अब इसके ऊपर भी मैं फेविकोल लगा करके और फिर इसके ऊपर आप इस तरह का, मेरे पास क्योंकि इस समय लॉकडाउन में मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैंने इस तरह का लिया है, क्योंकि इसे मैं ऐसा लूंगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये जो इसे मैंने काफी DIY करे हैं आपने देखा होगा, तो मैं इसी से इसको ये नॉब को मैं इसी में ऐसे रैप करूंगी। फेविकोल लगाने के बाद मैं इसको इस तरह से रैप करूंगी और फिर जो ये मॉड पॉज ग्लू है इससे मैं इसको फिर ऊपर से इसको कोटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए ये यहाँ पर ये हमने इसको कंटेनर को अपने ये इसमें डेकोपॉज कर लिया था और ये आप देख रहे हैं ये सारा सूख गया है। और आप इसको वॉश भी कर सकते हैं लेकिन आपको इसको मतलब हल्के हाथों से करिएगा, बहुत रगड़ के ना करिएगा। और ये आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं तो आपने पहले देखा था ये कैसा था और ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो और बनके आप देख रहे हैं खुद ही ये कितना अच्छा तैयार हो गया है। और अब अगली जो चीज़ करनी है, मैंने आपको कल बताया था कि मैंने सिल्वर फाइल का नॉब की बनाई थी और मैंने इसके ऊपर वो कागज़ भी दिखाया था, मैंने चिपका लिया है। तो अब ये क्लिप फिक्स है, अब इससे मैं इसको यहाँ पर चिपका लूँगी और इसको आप संभाल कर करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरा सा भी अगर हाथ में लग जाता है तो ये काफ़ी ये चपक जाता है हाथों में। इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दीजिए, ये अपने आप ये चपक जाएगा और इसी तरह से हम सारे चिपका लेंगे। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ये मैंने चारों पर चिपका लिया है और ये देखिए ये पूरा ये हमारा मजबूत हो गया है, ये जो हमने चिपकाया है ये आप देखिए ये काफ़ी मजबूत हो गया है ये। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो और अभी मैं इसको प्लेस करके दिखाऊंगी किचन में कि ये किस तरह से लग रहा है। ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने अपनी मिक्सी को कवर कर रखा है और इस तरह से आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने इसका ये कवर, ये ऊपर का जो पोर्शन है ये मैंने इस तरह से बनाया है, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। और ये चारों तरफ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चारों तरफ से इसमें इस तरह से फ्रिल लगी हुई है। और यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बोला था कि इसका
जो सरफेस है वो प्लेन है ऊपर से, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर्स रख दिया है, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से किचन में ये डिब्बे को प्लेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। और ये आपको बैक जो बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, तो सॉरी ये मेरे विंडो पर गैलरी रहती है तो वही बोल रही है, तो उसके लिए सॉरी। और ये देख रहे हैं आप ये कितना अच्छा लग रहा है, आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ पर ये आप देखिए ये, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा ये मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो बस मैं इसको इस तरह से ही यहाँ पर सामान रखती हूँ। मैं ये वाला आपको अलमारी दिखा दे रही हूँ कि मैं इसको यहाँ पर किस तरीके से रखती हूँ यहाँ पर। और बाकी ये कंटेनर है, ये मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, ये यहाँ पर मेरी चीनी चाय पत्ती वगैरह होती है, क्योंकि मुझे यहाँ से लेना आसान होता है। तो ये मैं जो हमारा गैस स्टोव है इसके मैं ऊपर ही रखती हूँ। तो ये बस मेरी जो ये अलमारी है ये इस तरह से लगती है, मैं आपको बस ऐसे ही दिखा रही हूँ। बाकी मैंने ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है इस तरह से। आप भी घर में बना के जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।